निकोला टेस्ला इस धरती पर पैदा होने वाला टॉप के जीनियस लोगों में से एक ऐसा नाम है जिनके साथ न जाने कितने अनगिनत रहस्य जुड़े हैं, जिन्हें सुलझाने में आज भी विज्ञान पूरी तरह से उलझा हुआ है। और ऐसा ही एक रहस्य है 3, 6 और 9 नंबर, जिसे टेस्ला कोड भी कहा जाता है, जिसके बारे में पिछले 20 सालों में किए गए रिसर्च से जो रिजल्ट सामने आए हैं वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियो रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी जैसे कामयाब आविष्कारों के जन्मदाता 300 से ज्यादा पेटेंट और अनलिमिटेड फ्री वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जैसे अनगिनत मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट करने वाले रहस्यमय आविष्कारक निकोला आखिर इन 3, 6 और 9 नंबर के अपने इस थ्योरी से दुनिया को क्या समझाना चाहते थे? आखिर 3, 6 और 9 नंबर को लेकर उन्होंने इतना बड़ा दावा क्यों किया कि यदि आप इन नंबर्स के रहस्य को सुलझा सकते हैं तो समझो आपने इस ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। ऐसा क्या खास था इस नंबर्स में कि 8 भाषाओं का ज्ञान रखने वाला एक जीनियस वैज्ञानिक इन नंबर्स को रिलीजियसली अपनी लाइफ के हर चीज में किसी न किसी तरह से शामिल कर लेता था। किसी बिल्डिंग में इंटर होने से पहले उस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाना, खाने से पहले हर बार अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ करना, किसी भी होटल के केवल उसी रूम में रुकना जिसका नंबर 3, 6 या 9 से डिवाइड हो सके। ऐसे ही कुछ आदतें उनकी डेली लाइफ का हिस्सा थी और जिसके कारण लोग उन्हें पागल और सनकी भी कहते थे। चलिए खोजते हैं 3, 6 और 9 से जुड़े ब्रह्मांड के उस गहरे रहस्य को जिसकी तरफ निकोला ने इशारा किया था। दोस्तों, विज्ञान ये आज मानता है कि यूनिवर्स के हर चीज के निर्माण में मैथ का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। दूसरे शब्दों में मैथ को इंसान ने नहीं बनाया है, क्योंकि मैथ तो इस यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद था। इंसान ने तो बस मैथ को केवल खोजा है। जी हाँ, गणित वो भाषा है जिसका इस्तेमाल इस सृष्टि के निर्माण में हर चीज में किया गया है। और सेक्रेट पैटर्न इस ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद वो इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसे द ब्लू प्रिंट ऑफ द गॉड कहा जाता है। ये है एक सेल। इस धरती पर मौजूद हर जीव हर प्राणी के जन्म की शुरुआत इसी एक सेल से होती है। फिर ये एक सेल डबल होकर 2 सेल में कन्वर्ट होता है, 2 सेल 4 में, 4 सेल 8 में, 8 सेल 16 में और 16 सेल 32 में। और ये प्रोसेस ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। और अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकली अरेंज करें तो हमें ये सीक्वेंस मिलती है। अब इस सीक्वेंस के हर मल्टी डिजिट नंबर को 1 डिजिट में बदलने के लिए हम डिजिटल रूट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा करने पर ये सीक्वेंस सामने आती है 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 8, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, अनंत तक यही सीक्वेंस मिलती रहती है। और इस प्रोसेस को यदि उल्टा किया जाए, यानी कि 1 का हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ और फिर डिजिटल रूट मेथड से 1 डिजिट में बदलने पर जो सीक्वेंस मिलती है वो भी सेम है 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5। लेकिन आश्चर्य सृष्टि के इतने बड़े प्रोसेस में 3, 6 और 9 गायब है। रिसर्च से ये बात सामने आती है कि इस पैटर्न में आने वाले 1, 2, 4, 8, 7, 5 नंबर थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यही नंबर एक दूसरे से इंटरैक्ट होकर थर्ड डायमेंशन वाली दुनिया की रचना करते हैं। और इन नंबर्स के बीच में दौड़ती ये लाइट दर्शाती है कि ये एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक फार्म से दूसरे फार्म में केवल कन्वर्ट होती रहती है। जैसा कि श्री कृष्ण ने हजारों सालों पहले गीता में भी कहा था कि आत्मा यानी कि एनर्जी कभी मरती नहीं है, वो अमर है। इस पैटर्न में 3, 6 और 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 3, 6 और 9 थर्ड डायमेंशन से हायर डायमेंशन वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम 3, 6 और 9 के डबलिंग करते हैं तो रिजल्ट्स और भी हैरान कर देती हैं। 3 और 6 नंबर को डबल या हाफ करते रहने से इन रिजल्ट 3, 6, 3, 6, 3, 6 ही मिलता है, लेकिन नंबर 9 यहाँ भी गायब है। 9 को डबल या हाफ करते रहने से मिलने वाला नतीजा और भी चौंका देते हैं, क्योंकि एंड रिजल्ट हर बार 9 ही मिलता है। हम सभी जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और जब सर्कल को बाइसेक्ट यानी विभाजित करना स्टार्ट करते हैं तो एंगल का एंड रिजल्ट अनंत तक बाइसेक्ट करने पर भी हर बार 9 ही आता है। धरती, चांद और सूर्य के डायमीटर का डिजिटल रूट 9, स्पीड ऑफ लाइट का डिजिटल रूट 9, एक दिन में 86,400 सेकेंड्स 1440 दिन इसका डिजिटल रूट 9,
आप कितने भी दिन, हफ्ते या साल ले लो, जब आप सबके मिनट्स और सेकंड निकालेंगे तो उनका डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा। 9 के टेबल में डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा, यानी कि 9 नंबर इस यूनिवर्स की प्राइम पावर है। इस इमेज में भी 9 नंबर सबसे टॉप में एक किंग की तरह विराजमान है। 3 और 6 नंबर को कंट्रोल करता है और नंबर 3 और 6 बाकी के नंबर को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही नंबर 3 नंबर 1 2 और 4 को कंट्रोल करता है और नंबर 6 5 7 और 8 को कंट्रोल करता है, यानी कि सभी नंबर 9 की निगरानी में इस ब्रह्मांड को बनाते हैं। ये पैटर्न बताते हैं कि नंबर 9 नेचर में एक एक्सेस की तरह काम करता है, यानी कि हर जगह ये एक मेन रोल निभाता है। नंबर 9 ही इस ब्रह्मांड में मौजूद एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का एक मेन सोर्स है और इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज इसी की वजह से अस्तित्व में है। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ पेयर में काम करती दिखाई देती हैं, जैसे कि इस प्रकृति की मैग्नेटिक फोर्स जिसपे नॉर्थ और साउथ दो पोल ही होते हैं। इस संसार में दो तरह की शक्तियाँ विद्यमान है, अच्छी और बुरी, लेकिन वास्तव में एक भ्रम है क्योंकि कोई भी शक्ति दो पेयर में काम नहीं करती, सभी कुछ तीन पेयर में होती है। जैसे मैग्नेट में कहने के लिए दो पोल होते हैं जो 3 और 6 को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैग्नेट केवल इन दो पोल की वजह से काम नहीं करता बल्कि इसमें एक तीसरी पावर का भी रोल होता है। जी हाँ, मैग्नेट का एक्सेस नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है जो मैग्नेट के दो पोल 3 और 6 को पावर देता है, तभी ये दोनों पोल काम करते हैं। अच्छाई और बुराई के प्रतीक इन न्यान में भी दो शक्तियाँ नहीं होती हैं, बल्कि इन दोनों शक्तियों के बीच बनने वाला एक एस 9 को रिप्रेजेंट करता है। 3 वो नंबर है जिसका इस्तेमाल इस ब्रह्मांड के ज्यादातर चीजों को बनाने में नजर आता है। जैसे एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं 3 पार्टिकल से पूरे मटेरियल वर्ल्ड तक निर्माण हुआ है। चार्जेज भी 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। समय भी 3 काल में एग्जिस्ट करता है, भूत, भविष्य और वर्तमान काल। और जितना रोल यहाँ 3 का है उतना ही रोल यहाँ 6 का भी है, क्योंकि एटम के बारे में डिटेल में जाएं तो इसमें 3 कंपोनेंट नहीं होते बल्कि 6 होते हैं। 3 पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स में मौजूद 3 तरह के चार्जेज, यानी कि नंबर 3 और 6 पेयर में काम करते हुए इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, और ये सब कुछ होता है नंबर 9 के कंट्रोल में, और नंबर 9 की वजह से ही ये दोनों नंबर यूनिवर्स में क्रिएशन कर पाते हैं। यानी कि नंबर 9 ही सब कुछ है, हर चीज में मौजूद होते हुए भी ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये नंबर सब कुछ होते हुए भी शून्य के समान है। जी हाँ, शून्य में थोड़ा अजीब लेकिन सत्य है। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं। आप कोई भी एक नंबर लीजिए जिसमें नंबर 9 हो या 0 नंबर मौजूद हो। अब इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। अब हम नंबर 9 के जगह 0 लिखकर इसका डिजिटल रूट निकालते हैं, तब भी वही रिजल्ट मिलेगा, और ये हर उस नंबर के साथ होगा जिसमें नंबर 9 या 0 मौजूद है। ये तो आप जानते होंगे कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 ही आता है। उसी तरह 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी उसका डिजिटल रूट 9 ही आता है। यानी कि नंबर 9 इन सब में है भी और नहीं भी, यानी कि नंबर 9 इस सृष्टि के बनने से पहले भी मौजूद था और बाद में भी मौजूद है। इस ब्रह्मांड में दो तरह की एनर्जी होती है, एक मेल एनर्जी और दूसरी फीमेल एनर्जी, और इन दोनों एनर्जीज को हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मेल एनर्जी वाला ट्राइंगल ऊपर की तरफ पॉइंट करता है और फीमेल वाला एनर्जी नीचे की ओर पॉइंट करता है। इन हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 मुख्य देवताओं को हम मेल एनर्जी वाले ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती 3 मुख्य देवियों को हम फीमेल एनर्जी वाले ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं 6 देवी देवताओं को मुख्य रूप से पूरी सृष्टि का रचयिता माना जाता है। यहाँ भी 3 और 6 का रोल हम देख सकते हैं, और जब इन 3 देवताओं और 3 देवियों के पावर को जोड़ देते हैं तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। इस पैटर्न की तीनों इमेज में 6-6 एंगल बनते हैं, जिन्हें एक साथ जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो है 9 नंबर। है ना अद्भुत? ध्यान और साधना के लिए हजारों सालों से हमारे तपस्वी जिस ओम ध्वनि का जाप करते हैं उसमें भी 3 तरह के साउंड होते हैं, और जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज होती है,
और जिसका टोटल 9 ही आता है। हमारे नंबर सिस्टम में 10 मेन नंबर होते हैं, जिसमें नंबर 9 सबसे आखिर में आता है और जिसके बाद कोई भी नंबर नहीं आता। 10 कोई नंबर नहीं है, ये केवल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपनी बात रखने के लिए यूज करते हैं। असल में नंबर 9 से ही सब कुछ शुरू होता है और नंबर 9 पर ही सब कुछ खत्म हो जाता है और बीच में आने वाले नंबर भी इसी में बिलीव हो जाते हैं। 3, 6 और 9 के जिस रहस्य की तरफ निकोला टेस्ला ने इशारा किया था, उस ज्ञान को हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से जानते थे। वे जानते थे कि नंबर 9 एक ऐसा फिनिशिंग पॉइंट है जहां आकर सब कुछ खत्म हो जाता है या संपूर्ण हो जाता है। जैसे एक बच्चे को जन्म लेने से पहले माँ के पेट में 9 महीने लगते हैं पूरी तरह से विकसित होने के लिए, यानी कि संपूर्ण होने के लिए। 9 नंबर के महत्व का उल्लेख वैदिक मत में भी मिलता है, जहाँ पर इसका उल्लेख है कि नंबर 9 0 के समान है। लेकिन अफसोस कि हमारे इस स्कूल कॉलेजों में ऐसी जरूरी और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता। विश्व भर में 3, 6 और 9 का इस्तेमाल करके बने सैकड़ों हजारों धर्म स्थल या इजिप्ट के गीजा में इन स्टार्स के साथ को रिलेट करते 3 बड़े और 3 छोटे, टोटल 6 पिरामिड, ये सभी इसी ओर इशारा करते हैं कि पुराने कई सभ्यताएं इन नंबर्स के महत्व को अच्छी तरह से जानती थी। निकोला टेस्ला का कहना था कि माई ब्रेन इज ओनली रिसीवर इन द यूनिवर्स, देयर इज ए कोर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड एक्सप्रेशन। यहाँ कोर से उनका इशारा शायद नंबर 9 की तरफ था। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी विश्वास था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में 3, 6 और 9 नंबर की पावर का इस्तेमाल हमेशा किया करते थे। लेकिन कैसे? ये सीक्रेट रिवील करने से पहले कुछ दिन पहले ही 7 जनवरी 1943 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके सभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को US गवर्नमेंट की द एलियन प्रॉपर्टी ने अपने कब्जे में ले लिया और फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत केवल वह डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए गए जिन्हें US गवर्नमेंट करना चाहते थे और उन डॉक्यूमेंट्स में 3, 6 और 9 नंबर से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स रिवील ही नहीं किए। या हो सकता है 3, 6 और 9 से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट US गवर्नमेंट मिले ही ना हो। सच्चाई क्या थी ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन 3, 6 और 9 नंबर से संबंधित निकोला टेस्ला का वो सीक्रेट निकोला टेस्ला के साथ ही दफन हो गया, जिसकी खोज आज भी जारी है। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।